हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला हमारा आर्टिकल है वह है बीमस्टेक को लेके आए हैं। तो बीमस्टेक के बारे में जो कंटेक्स्ट वो ये है कि अभी इसका जो फोर्थ सबमिट है 30 और 31 अगस्त को, वो बेसिकली नेपाल के काठमांडू में आयोजित है या नेपाल के द्वारा होस्ट है वो किया गया था। तो ये एक बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब बिमस्टेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो हम बिमस्टेक के बारे में जान लेते हैं कि भाई है क्या ये। देखो, बात करें बिमस्टेक की, उसकी फुल फॉर्म भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर हैं। बिमस्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखो, आपको यहाँ से एक समझ में आ गई है कि टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब ओनली, अगर आपको यूपीएससी दे दे कि ओनली इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है वो की गई है। तो देखो, ओनली वाले स्टेटमेंट है वो इस तरीके से हम एग्जाम में एलिमिनेट है वो कर सकते हैं। थोड़ा हम बेसिक सी बस चीज़ें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का जो आजकल क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है ना, वो डायरेक्टली नहीं रहा है। यूपीएससी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछती है, बस हमें एलिमिनेट करने होते हैं कई बार तो ऑप्शंस को कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान है वो रखनी है। अब आपको बताऊँ तो यह एक इंटर रीजनल ग्रुप है बिमस्टेक। कैसे? क्योंकि इसमें साउथ एशिया की मेंबर भी कंट्री मेंबर भी हैं, और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री भी मेंबर है। मतलब साउथ एशिया का मतलब क्या हो गया, सार्क के मेंबर भी इसमें है, इसके साथ ही साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, आसियान। तो मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो बिमस्टेक है वो आसियान और सार्क दोनों कंट्रीज का मिला जुला सा ही एक रूप है। इसमें बेसिकली फोकस किया जाता है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। तो मतलब कुछ कंट्रीज आसियान की भी आ गई हैं और कुछ कंट्रीज साउथ एशिया की भी हैं, इन्होंने मिलकर इसको बना रखा है। बेसिकली हम बोलें तो बे ऑफ बंगाल के जिन कंट्रीज का बॉर्डर टच कर रहा है वो बेसिकली इसका मेंबर है। तो ये चीज़ थोड़ी हमें यहाँ ध्यान है वो रखनी है। तो रिसेंटली जो अभी कंटेक्स था वो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी इसका जो फोर्थ सबमिट था वो अभी नेपाल के काठमांडू में आयोजित है वो किया गया था, तो उसी को लेके भी न्यूज आई थी। और बात करें हम इसके परमानेंट सेक्रेटेरिएट की, तो वो बेसिकली बांग्लादेश में है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान है वो रखने की, इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में जो सेक्रेटेरिएट है वो। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को भी ये सपोर्ट है वो करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कॉमर्स हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, टूरिज्म हुआ, इनोवेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज हुए, एग्रीकल्चर हुए, फिशिंग हुई, ट्रांसपोर्ट हुआ, इन सारी चीज़ों की तरफ बेसिकली फोकस है वो करता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एक्साइज काकाडू के बारे में। तो ये देख लेते हैं हम कि एक्साइज काकाडू कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है। तो बेसिकली देखो, एक्साइज काकाडू है वो 28 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक है वो चलेगी। बेसिकली इसका 14th एडिशन है वो अभी स्टार्ट है, वो किया गया है, इसे 1993 से स्टार्ट है वो किया गया था। ये बेसिकली जो स्टार्ट की गई थी वो की गई थी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा, और इसमें बेसिकली रॉयल ऑस्ट्रेलियन जो एयरफोर्स है वो भी सपोर्ट है वो करती है। तो इस बार इसमें इंडियन नेवी है उसने यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट किया है, और उसी को लेके अभी कंटेक्स्ट है हुआ था कि मल्टी रीजनल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, बेसिकली होस्ट की जाती है ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा, बट ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी इसमें थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट है वो रखती है, और इस बार इंडियन नेवी है उसको लेके भी न्यूज़ है वो है कि इंडियन नेवी है वो भी इसमें शामिल हुई है। तो यूपीएससी पूछ ले एक्साइज काकाडू के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई नेवी एक्साइज है, इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्री शामिल हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है एमपीएलएडी स्कीम के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। देखो, ये स्कीम है, ये भी 1993 में ही स्कीम है वो आई थी। इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे इलेक्टेड हो या चाहे नॉमिनेटेड हो, सबको 5 करोड़ रुपए हैं वो बेसिकली दिए जाते हैं, और वो उनको अपने किसी भी एरिया में डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम बात करें लोकसभा के एमपी की, तो लोकसभा का जो एमपी है वो तो अपनी जिस एरिया से चुना गया है उस एरिया में पैसा खर्च कर सकता है। बात करें हम जैसे कि राज्यसभा का, तो राज्यसभा का भी जिस एरिया से नॉमिनेटेड हुआ है उस एरिया में कर सकता है। और अगर नॉमिनेटेड है तो नॉमिनेटेड का मतलब, सॉरी, यहाँ पे ये है कि वो कहीं भी पैसा है क्योंकि नॉमिनेटेड है, तो वो किसी भी देश के एरिया में पैसा इन्वेस्ट है, मतलब पैसा एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे सकता है क्या इसमें, वो हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। राज्यसभा का जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में जैसे मान लो कि हरियाणा की राज्यसभा से अगर कोई पर्सन गया हुआ है तो वो हरियाणा के अंदर कहीं भी पैसा इन खर्च वो कर सकता है, और अगर राज्यसभा लोकसभा के अंदर अगर एमपी गया हुआ है तो मतलब हरियाणा के अंदर कौन सी लोकसभा से गए उस एरिया के अंदर ही वो पैसा खर्च है वो कर सकता है। नॉमिनेट का मतलब क्या हुआ, वो हरियाणा में भी कर सकता है, गुजरात में भी कर सकता है, कहीं भी जहाँ उसकी इच्छा हो।
अब हम थोड़ा इसकी तरफ देखते हैं, इस स्कीम के बारे में भी कंटेक्स्ट कहें। कंटेक्स्ट देखो इस स्कीम का भी यह है कि इसकी 21वीं अखिल भारतीय समीक्षा है इससे वो है भी की गई है 30 अगस्त को, तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि भाई जो MPLED स्कीम है इसमें क्या क्या तो कमी है, कौन कौन से हमें प्रावधान चीज़ों को ठीक करना है, क्या क्या बेसिक फीचर्स की बात यहाँ पे की गई है, मतलब कि इसमें काफ़ी कुछ खामी है। जैसे कि आपको बताऊं इसमें एक खामी तो यह है कि इसमें जो भी पैसा आता है इस स्कीम के तहत उस पैसे के थ्रू केवल हम नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, पुराना प्रोजेक्ट है उसका रिनोवेशन वगैरह नहीं कर सकते। रिनोवेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस तरीके के काफ़ी कुछ एडवांटेज भी हैं स्कीम के, काफ़ी कुछ एरियो में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा भी है और कहीं ना कहीं इसका जो पैसे का पूरा प्रॉपर यूज़ है वो कहीं नहीं किया गया है, तो उसी को लेकर अब आर्टिकल बेसिकली आया था। तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि भाई MPLED स्कीम है इसके अंदर बेसिक फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, मतलब कि रोड वगैरह बनानी है, इसके अलावा पानी वगैरह की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह मुहैया करवाना, हेल्थ सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल वगैरह बनाना, इसके साथ ही रोड वगैरह जैसे ये काम हो गए, स्ट्रीट लाइट वगैरह ये बेसिकली काम इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही हम बात करें इसका जो पैसा है वो आता है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या करती है उस पैसे को डायरेक्टली यूज है वो करती है कि वो जो MP होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इसमें केवल अपनी राय देते हैं कि हाँ भाई ठीक है आप इस पैसे को यहाँ खर्च करिए यहाँ खर्च करिए, बाकी जो काम है सारा वो बेसिकली काम है वो किया जाता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा ही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है। पैसा मिलता है MP को, शाम का सारा काम किया जाता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा, ये इसमें बेसिकली काम हो गया है। जो MP होता है वो तो केवल रिकमेंडेशन देता है कि हाँ भाई इस एरिया में काम की जरूरत है तो आप यहाँ पे काम कीजिए बेसिकली। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो हमारा आर्टिकल आया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD है उसने अपनी एक नई इनोवेशन सेल है वो बनाई है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नई इनोवेशन सेल किसने बनाई है अभी रिसेंटली लेके, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने। बेसिकली क्यों, क्योंकि हमारे देश में हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर इनोवेशन जो नवाचार है इसका जो कल्चर है इसको और बढ़ाने के लिए, मतलब सीधी सी बात बोलूँ तो हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें नया इनोवेशन सेल उसको पुट करने के लिए इनोवेशन सेल है उसका निर्माण किया गया है। ये सेल बेसिकली काम क्या करेगी, देखो इस सेल का काम ही होगा कि जो भी यूथ हैं उनको आइडिया, उनको नए नए तरीके से इंस्पायर करना, इसके साथ ही उनके अगर कुछ थॉट्स भी हैं जैसे उनके दिमाग में कुछ प्लान हो उस प्लान को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना, अगर उनके साथ मिलके सपोर्ट करना ताकि वो उन अपने आइडिया हैं उसको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट भी कर सकें। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा इनोवेशन क्लब के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में इनोवेशन हो और हम कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल का माहौल है वो तैयार कर सकें और हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र से हमारे देश की हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी क्वालिटी भी बढ़ाई जा सके लिए, तो ये बेसिकली इनोवेशन सेल है वो बनाई गई है। इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ HRD को लेके एक न्यूज और आई है, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD है उसने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स है ये एक नई रैंकिंग है वो अभी स्टार्ट है वो की गई है जिसे बोला गया है ARIIA। ARIIA का मतलब है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, मतलब इनोवेशन के क्षेत्र से लेके कौन से उन्होंने अचीवमेंट हासिल किए हैं इंस्टीट्यूट के लिए उसके आधार पे उनकी रैंकिंग है वो तैयार की जाएगी, मतलब कितना उन्होंने इनोवेशन के लिए काम किया है इसके लिए बेसिकली ये रैंकिंग है वो जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। इसमें क्या होगा, ग्लोबल लेवल के जो पैरामीटर है ना जो इंडिकेटर है उनकी हेल्प से देखा जाएगा कि भाई हमारे देश की हायर एजुकेशन की क्वालिटी कैसी हो रही है, क्वालिटी वाली एजुकेशन है उसको सिक्योर है वो बेसिकली किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली 5 ऐसे पैरामीटर हैं जिनको यूज करते हुए मतलब ज़्यादा फोकस है वो किया जाएगा कि भाई उन पैरामीटर को ध्यान में रखा जाएगा। तो देखो हमें ये 5ों पैरामीटर याद रखने की जरूरत नहीं है बट हमें थोड़ा एक बार आइडिया होना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर एक तो फोकस किया गया है कि बजट एक्सपेंसेस और रिवेन्यू, कितना तो बजट मिला है कितना रिवेन्यू है और उसके आधार पर जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो कैसा हुआ है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, तो 20% तो वेटेज रहेगा इस चीज़ का। इसके बाद में देखा जाएगा कि वहाँ पे एडवांस सेंटर कैसे हैं, इसके सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैसा है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो यहाँ पे है आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आपके अंदर नवाचार का, मतलब आपके दिमाग में कौन सा नया आइडिया है उसको लेकर आप नया एंटरप्रेन्योरशिप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस है वो किया जा रहा है, तो उसका वेटेज 54% है। बाकी चीज़ों की हम बात करें जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन इकोसिस्टम सपोर्टेड थ्रू
टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब हमारी जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर टीचिंग और लर्निंग की जो क्वालिटी है उसकी कैसी है, उसके आधार पे 10% वेटेज दिया गया है। इसके साथ ही जो बेस्ट इनोवेशन सॉल्यूशंस है इन हाउस इंप्रूविंग गवर्नेंस इन द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है उनके अंदर गवर्नेंस प्रशासन है उसको डेवलप करने के लिए नया इनोवेशन आप कौन सा लेके आए हो, उसका 6% वेटेज है टोटल 100% के बेसिस पे। तो देखो ये सब याद रखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि इनोवेशन के लिए जो आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है उसको थोड़ा वेटेज ज्यादा दिया गया है, क्योंकि उसी के आधार पे सब कुछ कैलकुलेट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो और इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन है वो किया है। तो भाई एमओयू साइन किया कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे लिए बात क्या है कि फायदा क्या होगा, वो एमओयू बेसिकली फोकस करेगा कि इनोवेशन का जो यूज है वो बेसिकली क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन के थ्रू फोकस किया जाए, मतलब इनोवेशन की हेल्प से हम जो एनर्जी है उसको और ज्यादा क्लीन करके और ढंग से यूज करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट को बेसिकली लॉस ना हो। तो क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन के ऊपर एक एमओयू सा वो साइन किया गया है, तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो बेसिकली 1974 में बनाया गया था। देखो 1974 में इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1974 और 73-74 का टाइम ऐसा था, उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की वजह से क्राइसिस पैदा हो गए थे, क्योंकि कुछ कंट्रीज ने जो मतलब पेट्रोल आप बोल सकते हो क्रूड ऑयल है वो सप्लाई करना बंद कर दिया था कुछ इनेमी कंट्रीज को, उसकी वजह से जो एनर्जी सिक्योरिटी है कंट्रीज की वो खतरे में पड़ गई थी। और उसी क्राइसिस से निपटने के लिए कि भाई जो ऑयल की सप्लाई है वो कंट्री की डिमांड के मुताबिक मतलब एक फ्लो में रहे, ऐसा नहीं है कि आप तो अगर थोड़ी बहुत भी इंटरनेशनल मार्केट में तनातनी रहे और आप ऑयल सप्लाई बंद कर दो नुकसान हो जाए। और इसीलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाया गया था ताकि एक कोऑर्डिनेशन हो, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स तैयार किया जा सके कोई भी अगर विवाद वगैरह होता है और ऑयल की सप्लाई को कंटिन्यू वगैरह रखा जा सके। ऑयल सप्लाई का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, एनर्जी जिसमें पेट्रोल डीजल सब कुछ बेसिकली इंक्लूड हो जाता है। इसके साथ ही इन सब चीज़ों से इन्वायरमेंट को लॉस भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पे भी फोकस करते हुए यहाँ पे चला जाता है कि भाई आप ऑयल की सप्लाई से ऐसा नहीं हो कि आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, इनकी तरफ भी फोकस किया जाता है। और एक अहम बात यह है जिस पे यूपीएससी की बार पूछती है रिपोर्ट के बारे में, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा पब्लिश है वो की जाती है। इसके साथ ही दो छोटी छोटी न्यूज और हैं, एक तो आई है बेसिकली नीलगिरी तहर के बारे में। तो नीलगिरी तहर है इसे बेसिकली माउंटेन गोट या मतलब पहाड़ी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हम इसकी तो ये एक्चुअली तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। IUCN की ये इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। इसके साथ ही हमारे देश का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल फर्स्ट में है, मतलब इसको प्रोटेक्शन काफी ज्यादा दी गई है क्योंकि इसको काफी ज्यादा खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि देखो एक तो इसका मांस वगैरह के लिए शिकार होता है और इनकी संख्या वैसे भी इन्वायरमेंट लॉस हो रहा है उसकी उसे काफ़ी दिक्कत है वो आती है। अब हम बात करें कि ये पाई कहाँ कहाँ पर जाती है, तो ये बेसिकली इंडेमिक है। इंडेमिक का मतलब ये होता है कि प्रॉपर कुछ लिमिटेड एरिया में ये स्पीसीज है वो पाई जाती है। एक तो नीलगिरी हिल में पाई जाती है, इसके साथ मतलब नीलगिरी हिल कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में है, और तमिलनाडु और केरला वाले एरिया में बेसिकली पाई जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यूपीएससी ऑप्शन दे देगी आपको कि तमिलनाडु, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन दे देगी हरियाणा, तीसरा दे देगी अरुणाचल प्रदेश, चौथा दे देगी आपको गुजरात। तो ऑब्वियसली आप पता कर सकते हो कि इजीली तमिलनाडु है, केरला है, मतलब वहां से आप क्वेश्चन को इजीली सही है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो छोटी सी न्यूज और आई है वो आई है बेसिकली कॉल ऑफ कोड इनिशिएटिव को लेके। तो क्या है कॉल ऑफ कोड इनिशिएटिव ये हम देख लेते हैं। देखो तो देख के तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी समस्या होगी, बट ये बेसिकली एक नया इनिशिएटिव आइडिया है जो लॉन्च किया गया है। ग्लोबल आईटी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी इंटरनेशनल लेवल की, तो है IBM, जिसका आपने नाम सुना होगा। IBM के कंप्यूटर वगैरह भी आते हैं। तो IBM और इसी के साथ ही इंडिया की जो IT कंपनी है इन दोनों ने मिलकर बेसिकली इसका काम निर्माण या इस इनिशिएटिव को स्टार्ट है वो किया है। इस इनिशिएटिव का देखो मेन मोटो ये है कि एक ग्लोबल सॉल्यूशन है डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए वो तैयार किया जा सके, मतलब जब भी डिजास्टर आ जाए कहीं भी तो उस डिजास्टर से निपटने के लिए किस तरीके का हमें मैनेजमेंट रखना है, क्या क्या काम करने, उन सब के लिए बेसिकली एक सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाएगा। एक स्टार्टअप्स हैं, एक अकेडमिक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपर्स हैं, उनको एक साथ लाया जाएगा
और नेचुरल डिजास्टर से जल्दी से जल्दी रिकवरी करने की तरफ फोकस है वो क्या जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये फैक्ट ध्यान रखना है कि कॉल फोर्स जो कोड इनिशिएटिव है ये बेसिकली IBM और इंडिया की IT कंपनी का एक इनिशिएटिव है जो कि नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए बनाया गया है, ताकि कहीं भी नेचुरल डिजास्टर हो तो उससे निपटा जा सके। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसके मेंबर कंट्री के बारे में हमने जाना, इंपॉर्टेंट जो इसका अभी नया सबमिट हुआ है नेपाल के अंदर उसके बारे में हमने डिस्कस है वो किया। इसके साथ ही हमने देखा कॉल ऑफ कोड इनिशिएटिव के बारे में जाना, नीलगिरी तहर के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में देखा। इसी के साथ ही हमने एक्साइज काकाडू के बारे में जाना जो कि मल्टीलेटरल रीजनल मेरीटाइम एक्साइज है, इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी है वो इसमें पार्टिसिपेट है, वो कर रही है। 14th एडिशन इसका अभी स्टार्ट है वो हुआ है। इसके साथ ही हमने MPLAD स्कीम के बारे में जाना। इसका देखो फंड, चलो आप एक चीज़ बताइए इसके बारे में कि MPLAD स्कीम का जो फंड है वो हर साल मतलब एक तरीके से लेप्स हो जाता है या फिर हर साल ऐड होता रहता है, जैसे कि कोई भी मतलब MP है तो 5 साल के लिए MP बना है, तो ऐसा थोड़ी कि वो पैसा हर 5 5 साल में ऐड होता रहेगा या फिर हर साल ही लेप्स हो जाएगा। जैसे इस बार भी मान लो कि 1 साल के लिए 5 करोड़ रुपये मिले, पहले साल अगर किसी ने 3 करोड़ ही खर्च करे तो अगले साल वो ऐड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि देखो ऐसी चीज़ें अगर आप जो भी सर्च करोगे, अगर आप आज का आंसर देखने की कोशिश करोगे तो आपके बहुत सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप जो मैं क्वेश्चन के बारे आपसे पूछता हूँ तो आप इनके आंसर थोड़े देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि उससे आपको तो पीछे का रिविजन हो जाता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें पीछे काफ़ी बार डिस्कस हैं वो की हैं। इसके साथ ही हमने मिनिस्ट्री ऑफ इनिशिएटिव जो सॉरी MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, उसका एक इनोवेशन सेल है उसके बारे में डिस्कस किया, और उनके द्वारा एक रैंकिंग स्टार्ट की गई है जिसका नाम है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स को लेकर। इसके साथ ही हमने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जाना। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।